स्ट्रेटेजीज है, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म यह है कि इस मुल्क में वजीर आजम वजीर आला की तरह लोकल गवर्नमेंट के भी मुहकमे आइन में लिख दिए जाए। दूसरी बात कि जिस तरह से एनएफसी अवार्ड में पैसे मिलते हैं वफाक से सूबों को, सूबे से डिस्ट्रिक्ट को पैसे नहीं मिलते, तो एनएफसी अवार्ड के बाद पीएफसी अवार्ड प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सूबे से डिस्ट्रिक्ट को पैसे मिलने का तरीकेकार आइन में लिख दिया जाए। और तीसरी बात है कि जब लोकल गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हो जाता है, इलेक्शन नहीं कराते और दो दो साल पांच पांच साल इलेक्शन नहीं होते, तो तीसरी बात यह लिख दी जाए आइन में कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है उस वक्त तक मुल्क में प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। तीन आईनी तरामीम लॉन्ग टर्म के लिए पाक से जमीन पार्टी ने ड्राफ्ट बनाकर जबरदस्त किस्म का लॉयर्स के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ की निगरानी में ये ड्राफ्ट बनाकर आज जो हमारे पास है यह है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यह है कि आज जो वसाइल मौजूद है इस सिस्टम में, इस वसाइल में इतनी ताकत है कि इस शहर की मेंटेनेंस हो सकती है, इस शहर की मेंटेनेंस हो सकती है। नए प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए जा सकते, लेकिन बने हुए मुस्तफा कमाल के 2010 के बने हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर झाड़ू दिया जा सकता है, पानी निकाला जा सकता है, नालों की सफाई की जा सकती है, पानी घरों में दिया जा सकता है, कचरा उठाया जा सकता है, लाइट लगाई जा सकती है, पार्कों की मेंटेनेंस की जा सकती है, सीवरेज की लाइनें डाली जा सकती है। इतना पैसा आज के भी इस निजाम में है। तो वो लोग जो इस दिए हुए ताकत को, दिए हुए पैसे को, अभी की मौजूदा पैसे को अगर ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे तो वो आज के मसाइल हल करेंगे और फिर लॉन्ग टर्म के लिए वो जिद्दोजहद करेंगे और लॉबिंग करेंगे, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो फिर अपनी बात लॉन्ग टर्म में मनवाने के काबिल हो जाएंगे।